के रूम पालन बुलाया था। डर द पासवर्ड और एंटर। अब मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा, जब बता देगी सब बहुत होशियार हैं। बताओ मुझे क्या खुफिया बात कर रहे थे तुम दोनों? खुफिया या सबके सामने कैसे बताएंगे? नहीं नहीं बताओ। टेम्पो के बारे में बात। टेम्पो तो सब लोग भटसुअर समझेंगे, जो भोपाल में टेम्पो को भटसुअर बोलते हैं। भटसुअर बोले ना, वो कोई दुनिया में नहीं समझेगा, क्योंकि केवल भोपाल में बोला जाता है और पाया जाता था। हाँ, भी नहीं जाता वो। तो आप लोग किस टेम्पो की बात कर रहे हो? बाय द वे, म्यूजिक वाले टेम्पो? यस। ओके। और आश्रिया ने एक बहुत ही, आश्रिया का एक पार्सल आया, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आई, वो श्रिया बताएगी। इम्पोर्टेंट की बहुत ही वैसी निकली। वैसी मतलब? नहीं नहीं, मैं दूसरी चीज की बात। सत्यनाश। सत्यनाश नहीं, मैं दूसरी चीज की बात कर रही हूँ। कौन सी? ओके, समझ गई मैं। कॉम्बो पैक में आया जो श्रिया का, जो श्रिया के पास कमी हो गई थी। जल्दी बता। मैं अरे बता दे। अरे नहीं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा'स लाइफ एंड लिविंग और मेहनती माँ। फ्रेंड्स, अब मैं खोल रही हूँ कुछ अपना इम्पोर्टेंट सामान जो मैंने ऑनलाइन लिया है, वो है बिल्ड स्किल से। और एक्चुअली क्या हो रहा था मालूम है, सिंपल सी कहीं पे ड्रिल करना रहता है, कुछ कील वगैरह ठोकनी होती है, कुछ भी। अभी दिवाली के टाइम इतना मुझे मुश्किल हुआ ना, इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर कोई आने को तैयार नहीं है। छोटा सा काम था, लाइट लगानी है, कहीं पर कील ठोकनी है, कुछ लटकाना है, बहुत दिक्कत हो रही। तब मैंने सोचा यार, मैं है ना एक ड्रिल मशीन ले ही लेती हूँ, क्योंकि हमेशा की प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व हो जाएगी। तो बस वही अभी खोल रही हूँ मैं। और मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस चीज़ का, जो मैंने लिया है वही आपको बता रही हूँ। और बिल्ड स्किल यहाँ से क्यों लिया ये बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें। और मैंने एक चीज़ ली थी, क्या था वो, कूलर का स्टैंड था आई थिंक। हाँ, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, कूलर का स्टैंड, वॉशिंग मशीन का स्टैंड, ड्रिल मशीन, ये जो अपन गार्डनिंग के टूल्स जो यूज़ करते हैं, वो ये सारी चीज़ें इनके पास मिलती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में। सो इसके सारे ये अटैचमेंट आए हैं जो कि हमको इसके लगाने रहते हैं इस टाइप से, ये हैं। और ये है मशीन, अच्छी खासी हैवी मशीन है ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये देखिए। और इसकी कॉर्ड भी काफ़ी लंबी आई है। इसके साथ वो सारे नेल्स वगैरह जो आती है ना, वो अंदर जिससे हम वो ड्रिल करते हैं, वो सब भी आया है ये देखिए। इस टाइप से सारी चीज़ें इसकी आई हैं विथ मशीन। तो अब मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा, जब भी कहीं ड्रिल करना हो फट से कर लूँगी। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी सी देर पहले एक शूट अपना कंप्लीट किया, वो है क्लोविया ब्रांड के स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो वो आप ज़रूर चेक करिएगा, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बिलीव मी। मुझे है ना बहुत अच्छे लगे क्लोविया ब्रांड के प्रोडक्ट्स। क्लोविया बॉटनिका है ना, उनका कंपटीशन रखा गणेश जी का। ये अभी तुमने बोला ना पापा प्रणाम कर लो, या मुझे प्रणाम कर रही थी, बोला तुमने गणेश जी वाली हरकत की है। लाइट चला गणेश जी और उनके भाई। हाँ, मैंने शायद से कुछ सुना है। हाँ, वो कंपटीशन रखा था उनने। हाँ। कि जो पहले ब्रह्मांड के चक्कर लगा के जाएगा तीन, वो जीत जाएगा। अच्छा। हाँ, तो वो कार्तिकेय चले गए अपने वाहन पर दुनिया का चक्कर लगाने, और गणेश जी ने उनके माता पिता बैठे थे, उनके तीन चक्कर लगा लिए। अपने फ्रेंड्स को बता दो जल्दी से कौन सा पेपर है। कंप्यूटर। और आज श्रिया मोबाइल भी लेके जा रही है, बताओ इनके स्कूल में मोबाइल में क्वेश्चन पेपर आएगा। आज रात सुबह 5 बजे तो इन लोगों को लगा कि वाह, पेपर तो पहले ही मिल जाएगा। हाँ। सुबह उठ के देखा तो उसमें एक पासवर्ड था जो कि आंसर शीट में मिलेगा। हम लोग ये सोच
लगता है मैं मेरे फ्रेंड्स के ऐसे तो क्वेश्चन पेपर सब पहले ही देख लेंगे कि क्या है क्वेश्चन सुबह सुबह। हाँ। तो फिर जब उसको ओपन करके देखा क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को तो उसमें लिखा था एंटर द पासवर्ड और एंटर द पासवर्ड पासवर्ड ओएमआर शीट में रहेगा। गुगली होगी नहीं ये तो हमको पता था कि मेरी मतलब कितने तो है। चलो चलो टाइम आ रहा है जल्दी चलो। बाय बाय ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बोला टू मी सेम टू यू बाय। एक गाना मैं प्रैक्टिस कर रहा था ये आ गई बीच में से मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अभी देखो टाइम दो बज रहा है दो। हाँ दो बजे कोई अपना म्यूजिक का काम करता है क्या? मुझे सोना है। ये एक लाइन बताऊंगा बताना किस गाने की है। बस इतने से ही बता देंगे सब बहुत होशियार हैं। बस इतना बजाऊंगा इससे ज्यादा मैं तो वैसे ही समझ में जाएगा। और आज है ना केदार श्रिया को लाना भूल गए थे। उसने फोन किया वहां से कि पापा कहाँ हो। उसके पहले भी इसी में लगा हुआ था मैं। बहुत बढ़िया। और ऐसा कुछ नहीं ये भी मेरे बगल में बैठी थी इसने भी ध्यान नहीं दिलाया। मैं क्यों ध्यान दिलाऊं आपकी ड्यूटी है बाबा। अरे ड्यूटी अरे ड्यूटी। श्रिया पेपर कैसा गया? अच्छा गया। मस्त की ठीक ठाक की? हाँ मतलब अच्छा था। अच्छा था। हाँ। और आज तो पापा तुझे भूल गए थे लेना। ऐसा बोल रहे थे क्या? हाँ मतलब वो बोल रहे थे कि पिछली बार उनको याद नहीं है लेकिन मैंने उनको याद दिलाया कि पिछली बार आप बजा रहे थे और फिर आपने टाइम देखा कि डेढ़ बज गए और फिर आप लेने आने तब गए थे मतलब। और मैंने तेरे सारे कपड़े यहाँ पे फोल्ड कर दिए यहाँ के सारे। ओके थैंक यू। नेक्स्ट पेपर कौन सा है? सोशल साइंस। पढ़ो पढ़ो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। चलो अब मैंने ना ये उधर वाला सामान नहीं जमाया है और इधर वाला ये बुक्स मुझे नहीं पता था कहाँ रखनी है तो वो तुम रख दो फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ओके। रख दो रखो रखो अभी रखो। अरे तुमने मेरा गाना बिगाड़ दिया। पर इसको एक चीज मालूम चल गई है कि आके यूं कर दो बस पंजा मार दो बिल्ली समान। बिल्ली उसको ऐसी बंद करते हैं आप भी तो रोज पंजा मारते हो उसमें। उसका एक सोफिस्टिकेटेड वे भी होता है एक फिंगर ऐसे कर दो तो वो बंद होता है। ओह माय गॉड अब आप जब कोई बात नहीं सुनता तो कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं होता ऐसे। आहा बहुत हो ऐसा यूं झपट्टा मार दिया बिल्कुल ही। एक है मैं सीधे ले आई हूँ आपको नेक्स्ट डे और अभी मैं बेडशीट चेंज करूँगी। ठंड का मौसम शुरू हो गया है। बहुत दिनों से डार्क कलर की बेडशीट डाली नहीं थी तो बस आज रेड कलर की बेडशीट में डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत बहुत वेलकम और थैंक्स मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स टेक केयर।